नमस्कार, विनीज रेसिपी एंड क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। आज मैं अपने किचन में करेला का भरवा बनाने वाली हूँ, तो कैसे बनाती हूँ चले मेरे किचन में। पहले करेला को हम छील लेंगे। हम छीले नहीं हैं, सही टुकड़ा करके रख दिए हैं। टुकड़ा करके रखने से ख़राब नहीं होता है, इसलिए टुकड़ा किए हैं। लेकिन आज इसको हम भरवा बनाने वाले हैं भर करके, तो पहले इसको हल्का छील देते हैं जिससे इसमें इसका तिताई थोड़ा ख़त्म हो जाता है। इसको इस तरह से धीरे धीरे मार देने पर निकल जाता है इसका सारा। दोस्तों ये चाकू से छील रहे से ज्यादा उड़ रहा था तो दिक्कत भी हो रहा था, सबसे आराम से इससे छिला जा रहा है। छिलने से देखिए आराम से ये छिला जाता है। और कभी भी बनाए करेला का भरवा, जो मोटा वाला करेला रहता है इस तरह से इसी का भरवा बनता है। पतला वाला में ठीक से उसमें मसाला नहीं जाएगा, इसलिए मोटा जो रहता है करेला उसका भरवा बनाया जाता है, पतला रहता है उसका भुजिया बनाया जाता है। अब ऐसे बनाने के लिए तो कुछ भी बनाया जा सकता है, तो लेकिन अच्छा यही होता है मोटा वाला से वो भरा जाता है करेला। इस तरीका से आराम से सब कुछ छिला जा रहा है। अब सभी छील लिए हैं, सब करेला छिला गया है। पहले भी धो लिए थे, फिर धो लिए हैं। इसको हल्का भाफा जाता है, एक सीटी हो जाएगा उतने में हो जाएगा। ज्यादा ज्यादा कस के इसको नहीं किया जाता है गीला। अब इसको हम थोड़ा सा पानी डाले हुए हैं, इसको एक सीटी पर उतार देंगे हम। जैसे सीटी देगा बंद कर देंगे। करेला बॉयल हो गया है, इसको हम 5 मिनट के लिए इसे खड़ा करके रख दिए हैं, तो इससे इसका पानी जो भी है इसमें निकल गया है, पानी सब निकल गया है। अब इसका बीज हम निकाल लेंगे। ये जो बीज है इसको निकाल करके अलग कर देना है। तो बहुत लोग इसका बीज और छिलका दोनों को भून देते हैं भरने के लिए, लेकिन ये हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि ये मेरे घर में कोई खाएगा नहीं, इसलिए इसका बीज और छिलका सब हम हटा देंगे। इस तरह से खाली कर देंगे, सभी बीज को आराम से निकाल लेंगे, इसमें एक भी बीज नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से निकाल करके और इसको हम रखते जाएंगे। अब सभी करेला को खाली कर ली हूँ, सब इसमें के बीज हम निकाल करके अलग कर ली हूँ। अब इसको हम डालेंगे नहीं क्योंकि ये हम लोग को अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग है कि नहीं खाते हैं, मेरे घर में बच्चा भी नहीं खाता है, तो इसलिए इसको नहीं डालना है। अब इसमें जो डालेंगे हम वो सामग्री आप लोग को दिखा रहे हैं। एक तो ये है प्याज, धनिया पत्ती, और यहाँ है लहसुन, अदरक, और ये है
खटाई है, खटाई सबसे ज्यादा जरूरी है, एकदम इम्पोर्टेंट है खटाई डालना। तो ये अभी अभी का जो आम को हम चटनी, आम के चटनी बनाए हैं वही वाला है, तो ये डालेंगे तो और टेस्टी होगा। और हल्दी है, हल्दी पाउडर है, ये है सरसों, सरसों दाना इसको हम पीस लेंगे, थोड़ा सा धनिया, जीरा, काली मिर्च के पाउडर है हाफ चम्मच, हाफ चम्मच से कम है, लाल मिर्च पाउडर, नमक है स्वादानुसार। तो सबसे पहले हम ये सरसों दाना को पीस लेंगे और लहसुन अदरक का भी पेस्ट बना लेंगे। सरसों पीसने से पहले हम इसमें फोरन डाल करके प्याज को गलाएंगे, इसके बाद ही और कुछ काम करेंगे तब तक। अब यह है पचफोरना, इसमें डाल देंगे पचफोरना, ये तेज पत्ता, फोरन जल गया है, प्याज डाल देंगे हम इसमें, प्याज लाल हो गया है, इसमें नमक डाल करके ढक देंगे और चूल्हा को कम कर देंगे थोड़ा देर के लिए, प्याज को गलाना है तो इस तरह से प्याज गलेगा। तो जब तक प्याज गल रहा है तब तक मैं लहसुन, अदरक, सरसों को पीस करके पेस्ट बना करके ले आई हूँ। इसमें सभी मसाले जो है सब एक साथ मिला लूँगी, यह है लाल मिर्च पाउडर, धनिया, जीरा, काली मिर्च के पाउडर, लहसुन, ये हल्दी पाउडर। तो ये सब मसाले को हम एक साथ मिक्स कर लिया है, ये चटनी है जो आम का चटनी बनाया गया है उसको बाद में हम डालेंगे। ये सब मसाले एक साथ में ऐड कर लिए हैं कि जब तक प्याज गल रहा है तब तक ये इसके साथ में ही फूल जाएगा। मसाला को भिगा करके डालने पर उसका भी टेस्ट अच्छा आता है। तो प्याज गलने के बाद हम मसाले को ऐड करेंगे उसमें, तो मसाले एक में मिल गया है और प्याज भी इधर गल गया है, प्याज लाल हो गया है। अब इसमें हम मसाला डाल करके तब भुनेंगे उसको। तो प्याज लाल हो चुका है, अब आप देख सकते हैं, आप लोग सभी मसाले को इसमें डाल देंगे। अब हम भुनेंगे इसको, जब तक ये मसाला लाल नहीं हो जाता है तब तक इसको हम भूनते रहेंगे। लाल होने के बाद इसमें से तेल बाहर निकल आता है, तब उसका मसाला है कि वो भुना जाता है। मसाला मेरा भुना गया है, इसमें चटनी आम का डाल देंगे, करेला का भरवा, करेला का सब्जी जो भी बनाते हैं उसमें जब तक हम गरम खटाई नहीं डालते हैं तब तक अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा गरम मसाला भी हम डाल चुके हैं, अब सबको एक साथ मिला लेंगे। अब देखिए मेरा मसाला एकदम तैयार हो गया है भरने के लिए। अब इसको थोड़ा देर के लिए ठंडा होने देंगे, धनिया पत्ता भी मिला लिए, मिला करके उसको ठंडा होने देंगे। अब मसाले में से तेजपात जो है उसका, उसमें से निकाल कर अलग कर देंगे कि भरने में आसानी से भराएगा। तो मसाले को हम बाहर निकाल लिए हैं अलग करके कि इसमें थोड़ा जल्दी से ठंडा होना होगा, कढ़ाई में रहता तो कढ़ाई की गर्मी से जल्दी ठंडा नहीं होता। तो अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है, अब इसको चम्मच के सहारे सभी करेला में मसाले को भर लेंगे। तो आप सब देख सकते हैं सभी करेला को हम भर चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, थोड़ा तेल डाल करके तब इसको हम तल लेंगे। तो देख सकते हैं थोड़ा मसाला भी बच गया है, तो ये मसाले को हम फ्रिज में रख देंगे
तो जब मन करे 3-4 दिन के बाद इसको फिर से भर करके बनाया जा सकता है या किसी दूसरे सब्जी में भी डाला जा सकता है। तो पहले हम इसमें तेल डालेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल, तो इसमें तेल डाल दिए पैन में। अब तेल को हम गरम होने देंगे, गरम होने के बाद सभी करेला को इसमें हम डाल देंगे। ज़्यादा तेल नहीं डालना है, तेल गरम हो चुका है, तो एक एक करके सभी करेला को हम डाल देंगे। पैन चौड़ा है तो इसलिए सभी करेला एक साथ में पड़ जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं और देखते रहिए कि इसमें से थोड़ा सा भी मसाला बाहर नहीं आएगा, जबकि हम इसमें पूरा भर करके मसाला इसमें डाले हुए हैं। तो मसाले को हम छोटी कटोरी में डाल करके और फ्रिज में डाल दिए। अब ये वैसे हैं घुमा घुमा करके इसको हम उसको पलट देंगे, क्योंकि ये पका हुआ है, इसको तेज आंच पर ही हम बनाने से वो अपने आप कैसे झूरी झूरी हम लोग तलते हैं एकदम तेज आंच को, जो थोड़ा सा उसी तरह से इसको भी हम तेज आंच को छलनी के सहारे और कभी कभी मीडियम आंच करेंगे इसको। देखिए इसमें से मसाला भी नहीं निकलेगा, देखिए सब अपने से पलटा रहा है, थोड़ा देर हिला देने से बढ़िया से चलाता है। आप सब देख सकते हैं कितना, अगर जो नहीं पलटेगा इसको सब पलटा रहा है, पलट देंगे। अब जो नहीं घुमा है उसको छलनी के सहारे उसको पलट दिया जाएगा। देखिए करेला बॉयल होने के समय याद रहे कि ज़्यादा उसको बॉयल नहीं करना चाहिए, जैसे ये सीटी देता है उसको बंद कर दें। ज़्यादा कस के बॉयल होने पर वो अच्छा से नहीं चलाता है, फटने लगता है। दो मिनट इसको ढक देते हैं करके बढ़िया से पका लें दो मिनट के लिए। ऐसे वो पका हुआ है लेकिन थोड़ा सा ढक देने पर और जो बचा खिंचा रहता है वो भी पक जाता है। तो ये आप देख सकते हैं आप लोग कि ये मेरा करेला निकालने के लिए तैयार हो गया है। तो अब हम करेला को निकाल लेंगे। करेला बहुत अच्छा से चूल्हा को ऑफ कर दिया, आधा घंटा देखते हैं मेरा करेला बनाने में तला गया है। अगर मेरा आधा घंटा समय लगता है बनाने में, आप लोगों को अच्छा लगे 10 मिनट बॉईल करने में, आप लोगों को अच्छा लगी हो 10 मिनट तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लहसुन अदरक को काट करके तैयार करने में मेरा वीडियो को आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, उसके बाद से 10 मिनट मसाला तैयार करने में लगता है और 10 मिनट और बेल आइकन को भी दबाइए जिससे दूसरा नोटिफिकेशन आधा घंटा से पहुंच जाए। 40-45 बहुत लग